हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 एंटी एलर्जी टैबलेट्स के बारे में, जिनका आज के टाइम पर डॉक्टर ज्यादा इनको प्रिस्क्राइब करते हैं एलर्जी को ट्रीटमेंट के लिए। सो ये जो एलर्जी है ये किन किन रीजनों की वजह से होता है, तो हमारे बॉडी के अंदर हिस्टामिन के रिलीज की वजह से। ये हिस्टामिन रिलीज कब होता है? जब आपने अनसर्टेन फूड खाया हो, कोई भी ऐसा बाहर का फूड खा लिया, इसके अलावा क्लाइमेट में चेंजेस होने की वजह से, ज्यादा ठंडी या गर्मी मौसम होने की वजह से, इसके अलावा किसी इंसेक्ट ने बाइट कर लिया, जैसे कि मधुमक्खी हो गई, इसके अलावा कोई भी इंसेक्ट हो सकता है। उसके अलावा बात करें तो जो पेड़ पौधे से पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं उसको हमने इनहेल कर लिया, इसके अलावा जो एनवायरमेंट यानी डस्ट पार्टिकल की वजह से भी जो है वो हमें देखने को मिलता है कि हिस्टामिन बॉडी के अंदर रिलीज हो रहा है और वो अपने रिसेप्टर यानी H1 रिसेप्टर से बाइंड होकर के हमें जो है वो एलर्जी कॉज करवा रहा है। जैसे अगर वो नोज वाले रीजन से बाइंड होगा तो रनिंग नोज होगा, इसके अलावा आईज वाले रीजन से बाइंड होगा तो वहां पे जो उसके रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद हमें आईज में रेडनेस देखने को मिलेगा और खुजली भी देखने को मिलेगा। अगर स्किन वाले रीजन पे जो हिस्टामिन आकर का बाइंड होगा तो हमें यहाँ पे बहुत खुजली देखने को मिलेगा और निशान देखने को मिलेगा, जो खुजली करने से और भी फैलते हैं हाथ पर पीठ में, जिसको हम अर्टिकेरिया और हाइव्स भी कहते हैं। सो ये सब जो है वो रीजन और कॉजेस थे जो एलर्जी के। अब हम बात कर लेते हैं जो आपसे मैंने बताया था टैबलेट्स के बारे में, जिसमें जो फर्स्ट है वो है एट्रैक्स। एट्रैक्स के अंदर आपको हाइड्रोक्सीजिन देखने को मिलेगा। ये इन्हीं जो सिम्टम्स है एलर्जी के, इनको ठीक करने का काम करता है। जैसे एलर्जिक राइनाइटिस, जिसमें रनिंग नोज, रेडनेस आईज हो गया, इसके अलावा जो है आपका गला खराब है, गले में इन्फेक्शन टाइप का हो रहा हो, या फिर अर्टिकेरिया या फिर इंसेक्ट ने बाइट कर रखा हो, तो इसको ठीक करने का काम इन्हीं टैबलेट्स का है और इसका भी। तो जो ये एट्रैक्स है, इसके अंदर जो सॉल्ट है वो है हमारा हाइड्रोक्सीजिन, वो थोड़ा सा सीडेटिव नेचर का, यानी हल्का सा आपको नींद भी आएगा, बिकॉज फर्स्ट जनरेशन का एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है। जो सेकेंड वन है वो है एविल। एविल के अंदर आपको जो सॉल्ट देखने को मिलेगा वो है फेनिरामीन। अब फेनिरामीन ये भी जो है वो फर्स्ट जनरेशन का ड्रग है, तो आपको सीडेटिव कॉज करता है, यानी हल्का सा खाने के बाद नींद आएगा ही आएगा, तो बेड टाइम पे दिया जाता है और डॉक्टर के सलाह से ही इन टेबलेट्स का यूज करें। ये भी जो है इन एलर्जी को ठीक करने का काम करता है, जिसमें रनिंग नोज, रेडनेस इन आईज और उसके अलावा अर्टिकेरिया, उसके अलावा जो है इंसेक्ट बाइट करने की वजह से जो भी आपका निशान है और रेडनेस खुजली है उसको ठीक करेगा। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा एलेग्रा। एलेग्रा जिसके अंदर आपको फैक्सोफेनाडीन देखने को मिलेगा, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है, मतलब आपको नींद नहीं आएगा इसको खाने के बाद, और ये इन्हीं एलर्जी को ठीक करेगा। फोर्थ वन है वो है लिवोसेट्रिजन। लिवोसेट्रिजन अलग अलग ब्रांड नेम से आपको देखने को मिल सकता है, लिवोरेट 1L और लिवोसेट, तो ये काम करता है इन्हीं एलर्जी जो हुआ है आपके बॉडी में इसको ठीक करने का, और ये बिल्कुल भी जो है सेडेशन कॉज नहीं करता, और आपने तो इसका यूज किया ही होगा। और जो फिफ्थ वन है वो है सिट्रिजन, जिसका सबने ही आई होप यूज किया होगा, आप सबको मालूम ही होगा इसके बारे में कि इसको एलर्जिक राइनाइटिस, अर्टिकेरिया, इंसेक्ट बाइट हर चीज में दिया जाता है इसको, और ये जो है वो सेकंड जनरेशन की ड्रग है, बट ये जो है वो नींद कॉज नहीं करती। किसी किसी को लगता है खाने के बाद कि हाँ नींद आ रहा है, स्लीपनेस लग रहा है, बट इसमें ये सेडेटिव ड्रग नहीं होती है, और जो ये सिट्रिजन है ये हर उस एलर्जी में काम आता है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।